शनिवार गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विपिन सिंह के समर्थन में बर्डघाट रामलीला मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को निशाने पर रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की आहट मिलते ही दंगाइयों माफियाओं के आका 10 मार्च के बाद ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में हैं। उनके कुछ खासम खास अन्य देशों का रुख करने वाले हैं, सबको अभी से टिकट बुक करा रहे हैं। जो बचे खुचे छुट भैये हैं वो कहीं और नहीं भाग पाएंगे तो नेपाल की राह पकड़ लेंगे। चार चरणों के बाद रविवार को पांचवें चरण में ही भाजपा की पूर्ण बहुमत की जीत तय हो चुकी होगी। अब गोरखपुर में छठवें चरण के चुनाव में 3 मार्च को प्रचंड बहुमत का जोरदार छक्का मारा जाएगा। यहां बड़ी संख्या में जुटी उत्साहित भीड़ में जोश का और संचार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों माफियाओं को प्रश्रय देने वालों, भ्रष्टाचार का पोषण करने वालों ने चुनाव से पहले यूपी में काबा कहने का प्रयास किया, लेकिन विकास और जन कल्याण की योजनाओं के साथ कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अपराधियों पर हुई सख्त कार्रवाई को जब खुद जनता ने गिनाना शुरू किया तो उन्हें माकूल जवाब मिल गया। अब उन्हें ठीक से पता चल गया है कि यूपी में बाबा भी हैं, उनका बुलडोजर भी है और बिना भेदभाव सबका विकास भी है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर कभी मच्छर व माफिया के चलते बदनाम था, दोनों का उपचार कर इस बदनामी से मुक्ति दिलाई गई है। बचे खुचे माफिया का 10 मार्च के बाद इलाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मच्छर और माफिया के खिलाफ उनकी लड़ाई 25 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी, अब यह लड़ाई अंतिम विजय की ओर अग्रसर है। यहाँ माफिया अपराधी गरीबों की, व्यापारियों की संपत्ति हड़प लेते थे, गुंडा टैक्स की वसूली होती थी, अब ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। इसी तरह इंसेफ्लाइटिस से कितनी मौतें होती थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इंसेफ्लाइटिस की ही तरह कोरोना को भी नियंत्रित किया गया। कोरोना से दुनिया परेशान है, लेकिन यूपी में शांति से चुनाव हो रहा है। सीएम ने कहा कि नियत साफ हो तो नियंता भी मददगार बनते हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारे कोरोना प्रबंधन की दुनिया सराहना कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले बिजली, राशन, गरीबों के आवास का पैसा माफिया ले जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। यूपी के लोगों को कोई कष्ट ना हो इसके लिए माफिया पर नकेल कसी गई है, बीमारियों से मुक्ति दिलाई गई, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया। सरकार का बुलडोजर एक्सप्रेसवे बना रहा है तो इससे माफिया थरथर कांप रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता को विपक्ष के बहुरूपियों से सावधान रहना होगा। जनसभा में सांसद रवि किशन, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक व प्रत्याशी विपिन सिंह, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास तथा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक विपिन सिंह ने कहा बताने पर कि आप पूरे कोर्ट से आए हैं।
प्रधानमंत्री बनने वालों से बड़ा बढ़िया है। आज समय हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में ऐतिहासिक मतदान करके गौरव का एहसास कराना है। आज मैं पहली बार रामलीला मैदान के भव्य मैदान में आया हूँ। पहले जब विधानसभा लेकिन 2012 के बाद जब प्रचुरन हुआ तो यह गोरख प्रणामी विधानसभा में बदल गई। बदनाम था इनके प्रैक्टिस के लिए। हमारे बीच में एक बार जोर से बोलिएगा योगी आदित्यनाथ बिपिन सिंह, योगी आदित्यनाथ बिपिन सिंह, योगी आदित्यनाथ बिपिन सिंह, योगी आदित्यनाथ बिपिन सिंह, योगी आदित्यनाथ बिपिन सिंह। सूर्य महाराज जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। करने के लिए आए हमारे गोरक्षी ठाकुर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री महानगर महाराज जी के आशीर्वाद से, आपके समर्थन से आपका बेटा आपका भाई आपकी सेवा करने के लिए 2017 से 2022 तक लगातार आपने उस बार समर्थन किया था। अब की तो आपका बेटा आपका भाई आपके बीच में रखकर आपके लिए खुश किया है। परम पूज्य महाराज जी भंगी के महाराज जी गोरक्षनाथ धाम के पीठाधीश्वर 21 दिन बाद दोबारा ही पावन धरती पे उनके धरती पर पधरना महाराज जी खाते गड़गड़ा के ताली। पूज्य महाराज जी सौभाग्य हमनी का प्रत्याशी के रूप में आ गई, न हो धन्य हो गई गोरखपुर की धरती। महाराज जी ने अपना जीवन दिया इस धरती को, इस पावन धरती गुरु गोरक्षनाथ महाराज की धरती को, अपना लहू दिया महाराज जी आंदोलन किए, अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, अपनी ईमानदारी दी महाराज जी ने। और समस्त भारत में गूंज है, समस्त उत्तर प्रदेश में गूंज है ये जो ऊर्जा दिख रही है युवाओं में, ये जो आक्रोश ये सब दिख रहा है कि विरोधी, ये जो मैं आप लोगों का गुस्सा भी समझ रहा हूँ, आप लोगों की ऊर्जा भी समझ रहा हूँ। एक तरफ एक निस्वार्थ सन्यासी पूज्य महाराज जी और दूसरी तरफ लोमड़ियों का स्वार्थी झुंड हमारे महाराज जी का हारने की को मुख्यमंत्री नहीं
जब सपा हमसे कहे यूपी में कहां बा, हम कहे मुझे महाराज जी पंचासी सभी लोगों को प्रणाम, समय कम है, अभाव है, चुनाव का माहौल है, सब लोगों को एक साथ प्रणाम। तो हम कहे जब सपा वाले हमसे पूछे कि यूपी में कहां बा महाराज जी, तो हम बोले जे कोरोना रहल अब्बा, जे कोरोना रहल अब्बा यूपी में सबका, जे मुख्तार बा कोरोना का इजहार बा, बिजली रेलम रेल बा, देखा हो बिजली नहीं होती थी, रामगढ़ झील में लाशें बदली थी, तब एक डायलॉग आज वापस से वायरल हुआ है पूरे देश में, वो की जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और जे मई और जून के गर्मी में, उत्तर प्रदेश के मई जून के गर्मी में शिमला नियम बर्फ जमा दे, उसका योगी आदित्य हर 3 तारीख को जमानत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, में विश्वास करते हुए कुछ अन्य पार्टियों के पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी जी महाराज से सादर प्रार्थना है कि हम साही जी, और महापौर और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, बच्चे और यहाँ पर एक लोकप्रिय प्रत्याशी और आए हैं समर्थन देने के लिए कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ सिंह महाराज आज मंच में समर्थन देने के लिए और पहुंचे हैं। महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव जी, विंध्या वाहिनी के प्रभारी और पार्षद श्री रामपाल कुशवाहा जी, भूपेश गुप्ता जी, डॉक्टर सी एम सिन्हा जी, चंद्रपाल राही जी, संजय श्रीवास्तव जी, राम नारायण जी, चंद्र प्रकाश सिंह जी, अभिषेक निषाद जी, मोहन सिंह जी, राहुल श्रीवास्तव जी, आशीष गुप्ता जी, पंकज गोयल जी, गोकेश बजाज जी, मनु अग्नोत अग्रहरी जी, चंद्रसेन सिंह जी, मदन अग्रही जी, भोला अग्रहरी जी, शरद अग्रहरी जी, अजय श्रीवास्तव जी, विकास अग्रवाल जी और अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण किए हुए यहाँ के पार्षद, पूर्व पार्षद और वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी पूर्व परिचित हमारे कार्यकर्ता हैं। भाइयों बहनों, आज मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करने चुनाव प्रचार के बाद 21वें दिन गोरखपुर पहुंच रहा हूँ। कोटि-कोटि नमन करते हुए आप सब के उत्साह के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं भी देख रहा हूं गोरखपुर में रवि किशन जी भी कह रहे थे कि प्रदेश में दंगा कराने वाले माफियाओं को प्रश्रय देने वाले अराजकता फैलाने वाले भ्रष्टाचारी तत्व शुरू शुरू में उन्होंने प्रयास किया
बताइए, ये जो मंच है और ये बड़घाट का जो रामलीला का इतना भव्य का प्रांगण तैयार हुआ है, ये भी तो पिछले 5 साल के अंदर ही तैयार हुआ है ना। राजघाट में राजघाट पहले नाम था, लेकिन वहां पे ना राज था ना घाट था। आज तो अच्छा घाट बन गया है ना, शानदार घाट। हावड़ बंदे की सड़क कैसे बन गई है? और मुझे एक बात बताओ, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का सुंदरीकरण का काम हुआ कि नहीं हुआ? कैसा लगा आप मुझे बताओ? 5 साल पहले बिजली रहती थी क्या? 5 साल पहले बिजली आती नहीं थी, और अब जाती नहीं है, यही फर्क है। जब विरोधी बोले कि यूपी में काबा, तो उनको बोलो यूपी में बाबा भी बा और बुलडोजर भी आ। के बाद अभी से अपना टिकट बुक कराने लग गए हैं। अभी से कोई इंग्लैंड भागने की फिराक में है, कोई ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में है, कोई और जगह भागने की उसमें है। और जो चढ़ैया है पुरखे उनके, वे तलाश में है कि कुछ ना मिले तो कम से कम नेपाल भागते हैं, लेकिन हमने नेपाल बॉर्डर में बहुत सकते हैं। लेकिन सुरक्षा नहीं थी, शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन नहीं कर सकते। थोड़ा शांत रहिए आप लोग भाइयों बहनों। आज सारे पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागिरी नहीं, कोई माफियागिरी नहीं, कोई सुरक्षा को भय नहीं। और यही कारण है 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज 5वां चरण कब होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, 5 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुमत से काफी आगे चली जाएगी। 6वें चरण में 3 मार्च को गोरखपुर क्षेत्र में आप लोगों को वोटिंग करनी है। भाइयों बहनों, 6वें चरण में इतना चौका छक्का मारिए कि यहां गोरखपुर ग्रामीण की सभा में आया हूं। और आप देखना, पूर्वांचल में जो कहा वो करके दिखाया है। ये फर्टाइजर कारखाना बन पा ना, आज चालू हो गया ना। एम्स गोरखपुर के लिए आंदोलन करते थे, आज गोरखपुर में एम्स बन गया ना। रामगढ़ ताल की तरफ गए कभी? गए? आज कैसे लगता है? रवि किशन जी के साथ किसी फिल्म की शूटिंग की? अगर नहीं की है तो मैं सीताराम जी से बोलूंगा, बाहर जवाहर कुशोधन एक फिल्म में काम करें, आप लोगों को जरूर लेकर के जाए। अच्छा हो रहा है ना वहां पे? वहां पे चिड़ियाघर भी है और वाटर स्पोर्ट अपने नए युवाओं के लिए, वाटर स्पोर्ट का भी हम लोगों ने केंद्र खोल दिया। आवागमन आसान हो रहा है, मेट्रो की तैयारी हो रही है। और भाइयों बहनों, इन सब के लिए चाहिए सुरक्षा। देखिए, गोरखपुर बदनाम किस बात के लिए था? माफिया के लिए था और बच्चा के लिए। दोनों का उपचार हो गया ना, बचे बचे माफिया 10 मार्च के बाद अपने आप
आज से 25 साल पहले प्रारंभ हुई थी। भाइयों बहनों, उस लड़ाई को अब अंतिम विजय की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं। ये माफिया मच्छर से कम नहीं है, जैसे मच्छर तमाम प्रकार की बीमारी देते हैं, वैसे माफिया गरीबों की संपत्ति को हड़पते हैं, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पते हैं, उन्हें गुंडा टैक्स देते थे। 5 साल में हमने बंद किया है, लेकिन जो इन्होंने पिछले 25-30 साल पहले जो पैसा कमाया था, 5 साल पहले जो पैसा कमाए थे, अब उस पैसे को निकाल करके, इनकी तिजोरियों से निकाल करके उसको जनता में देने का काम करने का समय अब आ रहा है। आपने देखा होगा ना कैसे इनके हितों वाले मित्र को निकली है कि नहीं निकली है। और यही नहीं, बहुत सारे माफिया तो अपने गले में टट्टी टटका के चलते, कहते सब सच्ची बेच देंगे लेकिन अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे। बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए थी? और हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त, अब तो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रहा है। जैसे इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त किया, ऐसे ही कोरोना को भी हम लोग दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति है, चुनाव चल रहा है, चुनावी कोई बोला अपना की बड़ी बड़ी रैली कर सकते, कोई समस्या नहीं। नियम साफ हो, नियंता सहयोग करता है। और कोरोना में आपने देखा होगा जैसे हम लोगों ने बिजली में कोई भेदभाव किया क्या? सबको बिजली दिया है ना, और कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन ले लिया। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? सभी लोग वैक्सीन ले लिए। फ्री में वैक्सीन, वैक्सीन का पैसा तो नहीं दिया किसी ने। अगर सपा बसपा की सरकार होती सब वैक्सीन दी जाती, मानते हैं ना भाई बहनों? फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये है राम राज्य। और हर गरीब को डबल इंजन की सरकार है, 2 बार राशन भी दिया है ना। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का कार्य जिस मजबूती के साथ हुआ है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले ये राशन का पैसा, यही बिजली का पैसा, यही गरीबों का पैसा, मकान का पैसा, शौचालय का पैसा, ये जो विकास में खर्च हो रहा है पैसा, सड़क के लिए, पुलिया के लिए, राजघाट के लिए, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर रामलला मैदान के निर्माण में, मंच के निर्माण में, यही पैसा या तो ये माफिया लेकर के चले जाते थे या इनके इत्र वाले में कम लग जाते थे। उत्तर प्रदेश वासियों को कोई कष्ट न हो, माफिया और मच्छर से भी मुक्ति मिले, बीमारी से भी मुक्ति मिले, और साथ साथ विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ती रहे। इसके लिए ही आज हम सब आपके बीच में हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी बनाया है, बुलडोजर एक्सप्रेस वे भी बना रहा है, मैंने पांचल एक्सप्रेस वे का गौरव अंतिम चढ़ाया। और यही रहे, आपने देखा होगा रामगढ़ लाल का सुंदरीकरण हो रहा है, सुंदर कार्य हो रहा है, हर जगह
होता है, लेकिन बुलडोजर का भय इतना, छे बड़े बड़े माफिया भी अब थर थर कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये लोग बहुरूपिया है, इनके बहकावे में कोई मत आना। पिछली बार गोरखपुर ने आठ सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को, कितनी सीटें दी थी? इस बार नौ की नौ सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। सहमत है? सभी नौ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह को जिता करके भेजेंगे, मेरी आवाज जा रही है। घरों के छत के ऊपर भी लोग खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, प्रांगण कम पड़ गया है, सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे। इसकी पहली शब्द क्या है? पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे, कमल निशान पर 3 फरवरी को भारत माता की, लोग एक कह रहे हैं, आज योगी जी के आने से सारी जनता की मनोबल बदल गया और इस तरह से गोरखपुर के ऐतिहासिक ओर से, गोरखपुर के बम्पर और ऐतिहासिक ओर से विपिन सिंह जीतेंगे। किस तरह की तैयारी की जा रही है? इस तरह से बाबा गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी कृपा है, आज महाराज जी के आने से सारी जनता को मन बदल गया है और सारी जनता जो है बम्पर ओर से विपिन सिंह को जिताएंगे। योगी जी ने आज विशाल जनसभा किया, क्या सबसे पहले यहाँ की हम सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पूज्य महाराज जी को सुनने के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग, हमारी सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग तक आए थे, नौजवान साथी आए थे जो पूज्य महाराज जी को सुने। पूज्य महाराज जी ने बताया कुछ उपलब्धियों के बारे में जो आज़ादी के 75 साल भी में भी नहीं पूरा हो पाया था, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में पूज्य महाराज जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया, तो जनता महसूस कर रही है और उसी का नतीजा है। देखिए अभी हमारे वहाँ 2 रैली तो पूरी है और एक हमारे साजनों और हमारी ग्रामीण विधानसभा की रैली आधी आधी हम लोगों की होगी, जिसमें पूज्य महाराज जी का संबोधन होगा, जनता को बताएंगे। तो अब एक लहर चल पड़ी है योगी जी की, पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिलता था, आज तो योगी जी ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में योगी जी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। और मैं भी एक सेवक की तरह से अपने क्षेत्र जनता के बीच में रहने का प्रयास किया, उनके सुख दुख में पहुंचकर उनको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, तो आज उसी का नतीजा है कि जनता अपने इस बेटे को, अपने भाई को सराखों पर बैठाए। युवाओं को क्या संदेश? निश्चित है युवा हमारे, देखिए इस सरकार में पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, इस सरकार में 4.5 लाख नौकरियाँ जो है किसी मैंने गलत तरीके से, ईमानदारी से सबको मिली हैं, तो अगर पढ़ेंगे, माँ बाप के भावनाओं का सम्मान करेंगे तो इस सरकार में निश्चित है उनको नौकरी मिलेगी, और नहीं तो कोई न कोई रोजगार करने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी।